नमस्कार दोस्तों सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है आज देखेंगे एड का एग्जाम पेपर नंबर दोन पेपर कोड है टू एट वन टू सेवन इसमें हम एम सी क्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने वाले हैं सी पी एस सब्जेक्ट का नेम है तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से वॉट डज द पी स्टैंड फॉर इन ई पी आर इमरजेंसी प्रिपेरनेस रिस्पॉन्स प्लान में पी का स्टैंड क्या है ये हमको पूछा गया है तो पहला है प्रिपेडनेस दूसरा है प्लान तीसरा है प्रोटेक्शन एंड चौथा है पैनिक तो इसका आंसर क्या है सोचिए इसका आंसर है ए प्रिपेडनेस पी का स्टैंड है प्रिपेडनेस चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट ए की कंपाउंड ऑफ एन ई पी आर प्लान ई पी आर प्लान का की कंपाउंड कौन सा नहीं है इसमें तो पहला है मिटिगेशन दूसरा है रिस्पॉन्स तीसरा है रिकवरी चौथा है रूटीन तो इसका आंसर है सोचिए आप क्या आंसर हो सकता है आंसर है ए मिटिगेशन यह ई पी आर का की कंपाउनेंट नहीं है चलो आगे देखते क्वेश्चन नंबर थ्री वेन ट्रांसपोर्टिंग केमिकल्स बाई रोड वॉट शुड ड्राइवर्स है अवेलेबल इनकेस ऑफ इमरजेंसी तो पहला है एक्स्ट्रा कार्गो फॉर वेट डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा है अ फर्स्ट एड बॉक्स या फर्स्ट एड किट तीसरा है एन एयर हॉर्न और चौथा है अ फैक्ट लंच तो क्या इमरजेंसी में केमिकल रोड पे ड्राइवर्स को क्या रखना चाहिए तो बी फर्स्ट एड किट ए रखना चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन प्लान इन ई पी आर प्लान तो चार ऑप्शन है पहला है इग्नोरिंग ऑल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज़। दूसरा है यूजिंग सोशल मीडिया एक्सक्लूसिव फॉर अपडेट्स तीसरा है एस्टेब्लिशिंग क्लियर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चौथा है सेंडिंग मेम्स टू कॉलेजेस तो इसका आंसर है सी स्टैब्लिशिंग क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव और डज एम एस डी एस स्टैंड फॉर इन द कंटेंट्स ऑफ केमिकल हैंडलिंग एंड स्टोरेज एमएसडीएस का फुल फॉर्म क्या है केमिकल हैंडलिंग एंड स्टोरेज के लिए एमएसडीएस बहुत जरूरी है उसका फॉर्म आपको देखने का है पहला है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट दूसरा है मैक्सिमम सेफ सिस्टम तीसरा है मटेरियल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तीसरा है मिनिमम सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स तो उसका फुल फॉर्म है ए मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट आगे है क्वेश्चन नंबर छ वट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन ई या ई पी आर प्लान प्राइमरी पर्पज क्या ईपीआर प्लान का पहला है टू प्रिवेंट ऑल इमरजेंसीज दूसरा है टू रिस्पॉन्स इमरजेंसी वेन दे टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी चौथा है टू अलोकेट ब्लेम फॉर इमरजेंसी तो इसका एंसर है बी टू रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी वेन दू अक्योर इमरजेंसी होती है तो आपको सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए क्वेश्चन नंबर सेवन इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द महाराष्ट्र फायर प्रिवेंटेशन एंड लाइफ सेफ्टी एक्ट टू थाउजेंड सेवन डज द टर्म फायर ऑडिट रेफर टू इसका पहला ऑप्शन है रिव्यू ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बाय द लोकल फायर डिपार्टमेंट एंड दूसरा है एन असेसमेंट ऑफ फायर सेफ्टी मेजर्स इन बिल्डिंग तीसरा है एन इंस्पेक्शन ऑफ फायर ब्रेकर फैक्ट्रीज चौथा है एन इवेल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट फायर रिस्क तो इसका आंसर है बी एन असेसमेंट ऑफ फायर सेफ्टी मेजर्स इन अ बिल्डिंग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट ंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उसके बोलते हैं बी ओ सी डब्ल्यू रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट नाइनटीन नाइनटी सिक्स हु इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एज अ बिल्डिंग वर्कर बी ओ सी डब्ल्यू एक्ट नाइनटीन नाइनटी सिक्स में कौन वर्कर रजिस्टर होना जरूरी है तो पहला है ऑल कंस्ट्रक्शन वर्कर दूसरा है ओनली स्किल्ड वर्कर्स तीसरा है वर्कर्स बिलो एटीन ईयर्स ओल्ड और चौथा है वर्कर्स विथ मोर देन फाइव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो इसका आंसर है ए ऑल कंस्ट्रक्शन वर्कर जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर काम कर रहे हैं सबका बीओ होना जरूरी है क्वेश्चन नंबर नाइन विच लेगिस्लेशन इन इंडिया डील्स विद द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स कोयल माइंस एंड द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ कोयल माइंस वर्कर्स विच लेगलेन इन इंडिया डील्स विदिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट इन कोयल माइंस एंड सेफ्टी ऑफ माइन वर्कर्स एक्ट नाइन एक्ट 1952, टू तीसरा प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 और चौथा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोल्यूशन एक्ट 1970। सेवनटी आंसर है बी माइन्स एक्ट 1952 उसके साथ चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन ज द मैक्म परमिसेबल नॉइज लेवल ड्यूरिंग डे टाइम इन अ फैक्ट्री एज पर द नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स टू थाउजेंड पहला है, 75 होना चाहिए, level, और दूसरा एट्टी फाइव डेसीबल्स होना चाहिए इसमें दो ही ऑप्शन आपने लिए है तो उसका आंसर है सेवनटी फाइव डेसीबल्स होना जरूरी है कहा फैक्ट्री में वो भी डे टाइम में इसमें भी डे और नाइट टाइम है नॉइज का वीडियो देखना है तो नॉइज का वीडियो महीने महीने यूट्यूब पे डाला है सब्सक्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो तो चलो आगे क्वेश्चन नंबर इलेवन इधर टेंथ ही लिखा है लेकिन क्वेश्चन नंबर इलेवन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड ट्वेंटी ट्वेंटी लॉज रिलेटिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग तो पहला है फैक्ट्री एंड माइन्स एंड दूसरा है ऑल वर्कर्स इन इंडिया तो इसका एंसर्स है दो ही ऑप्शन लिया है इसमें फिर भी इसका आंसर से बी ऑल वर्कर्स इन इंडिया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशन कोड होना 2020 में जरूरी है लिखा है आगे का क्वेश्चन है अंडर द फैक्ट्रीज 1948 फोर्टी एट हाउ ऑफन शुड फैक्ट्री बी इंस्पेक्टेड बाय अ फैक्ट्री इंस्पेक्टर फैक्ट्री इंस्पेक्टर कितने दिनों में विजिट करता है इसमें भी हमने दो ही ऑप्शन लिए है पहला है एवरी ईयर और दूसरा है एवरी टू ईयर्स तो इसका आंसर है एवरी ईयर फैक्ट्री इंस्पेक्टर अंडर द फैक्ट्री एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट के तहत वो विजिट फैक्ट्री में इंस्पेक्टेड विजिट कर सकता है तो चलो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और, और हाँ दोस्तों तक फॉरवर्ड करना भूलो मत जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक धन्यवाद